नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में टेक्न्यू पे। मेरा नाम है निशांत। आज की इस वीडियो में जो हम कंपेयर करने वाले हैं SVM पराना को जोए ई बाइक की बीस्ट मोटरसाइकिल से, जो मतलब दोनों ही देखने में काफी सिमिलर है। एंड हम जो है काफी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, एज मुझे टाइफाइड हो गया था, काफी इल था मैं, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब हम रिज्यूम करते हैं इन दोनों के कंपेरिजन के साथ में आज से। तो ये जो हम कंपेयर करने वाले इन दोनों बाइकों को, तो इनका अगर जो लुक देखा जाएगा तो दोनों की दोनों जो बाइकें है, कावासाकी G900 वाला जो लुक लेके आती है, जो देखने में कर काफी अच्छा लगता है। एंड डिजाइन दोनों के लगभग लगभग सेम है, तो डिजाइन वाइज तो इनमें कोई मतलब चॉइस कर नहीं पाएंगे। तो हम इनको बेसिकली इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे और प्राइस के बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि किसमें क्या बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं इनकी मोटर्स के साथ में। तो यहाँ पे दोनों ही व्हीकल्स में जो मोटर लगी हुई है, BLDC हब मोटर लगी हुई है, जहां पर जो है ईबीस्ट की हमारे पास डिटेल डाटा है कि 5 किलोवाट की मोटर जो 230 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क डेवलप कर पाएगी। जहां पर SVM पराना ने है, जो SVM कंपनी है, इसने जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि BLDC हब मोटर है। बट जब यहाँ पर हम के लोड कैपेसिटी और टॉप स्पीड की बात करते हैं, पर दोनों ही बाइकों की जो लोड कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 150 किलोग्राम की है। बट जब हम टॉप स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पर जो टॉप स्पीड है वो वेरी कर रही है। जहां पर हम SVM पराना की बात करें, यहाँ पर आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी 123 किलोमीटर पर घंटे की, वही जो ईबीस्ट में आपको 90 किलोमीटर पर घंटे तक की स्पीड देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपकी स्पीड के मामले में एक क्लियर विनर है आपका SVM पराना। यहाँ पर हम बैटरी की बात करें, तो जो ईबीस्ट के अंदर आपको बैटरी पैक मिलता है 72 वोल्ट का 5.1 किलोवाट आवर का, जो आपको रेंज दे देगा 110 किलोमीटर की, और उसे जब फुल चार्ज होने में लगेगा 9 घंटा। एंड भाई हम SVM पराना की बात करते हैं, पर आपको जो दो वेरिएंट बेसिकली देखने को मिलेगा, एक 4.3 किलोवाट का, एक 7.2 किलोवाट का। एंड यहाँ पर जो रेंज वेरी करने वाली है 126 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर तक करने वाली है। एंड इसे चार्ज होने में लगेगा 4 घंटे 15 मिनट से लेकर 6 घंटा 30 मिनट, जो है वेरियंट के हिसाब से। बट यहाँ पर दोस्तों जब हम बात करें यहाँ पर इसके रेंज के मामले भी, यहाँ पर SVM पराना देखने में कुछ ज्यादा लग रहा है। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि जो SVM पराना है, इसमें आपको जो रेंज मिलेगी 45 किलोमीटर पर आवर पर मिलेगी, जो कि इसकी इकोनॉमी मोड में होने वाली है। एंड जब जो ईबीस्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो रेंज है 110 किलोमीटर की, ये अभी तक इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है कि इकोनॉमी मोड में होगी या ये आपको जो है 90 किलोमीटर पर घंटे पर ही 110 की जो है रेंज आपको मिल जाएगी। अगर ये रेंज आपको 90 किलोमीटर पर घंटे में मिल रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो रेंज देखने को मिलेगी वो इसी बैटरी पैक के साथ 200 से ऊपर जा सकती है। वो बाकी जो है कंपनी अपडेट करेगी, अभी तक इन्होंने जो अपडेट करा नहीं है। बाकी चार्जिंग टाइम को मद्देनजर देखते हुए और मतलब इनकी बैटरी पैक को देखते हुए, फिलहाल जो क्लियर विनर लग रहा है वो SVM पराना लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो बात करें, जो ईबीस्ट का जो प्राइस रहेगा वो 2.42 लाख रुपीज का रहेगा। एंड वही जब हम SVM पराना की बात करें, तो प्राइस वेरी करेगा 2 लाख से लेके 2 लाख 75 हजार रुपए तक। मतलब लोअर वेरिएंट आपको 2 लाख का मिलेगा, जिसके अंदर आपको 126 किलोमीटर की रेंज मिलेगी इकोनॉमी मोड पे, और वही आपको 2 लाख 72 हजार को जो मैक्सिमम वेरिएंट मिलेगा, जहां पर आपको सिंगल चार्जिंग में रेंज मिलने वाली है 225 किलोमीटर की, जो खैर बहुत ही मतलब बेहतरीन एक रेंज होने वाली इलेक्ट्रिक बाइक की। तो यहां पर प्राइस, रेंज, स्पीड, मतलब परफॉर्मेंस, हर चीज को अगर हम देखें और कंपनियों के बारे में ज्यादा ना देखें, तो SVM पराना यहाँ पर एक बहुत ही जो है बेटर ऑप्शन होने वाला है जो ईबीस्ट से, एज इनका लुक जो है बिल्कुल सिमिलर है। एंड ब्रेकिंग की भी बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही बाइकों में आपको ट्रिपल डिस्क सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको ड्यूअल डिस्क मिल रहा है, रियर में आपको सिंगल डिस्क मिल रहा है। एंड दोनों का जो मतलब टायर साइज है, राइडिंग हाइट है, नियर अबाउट सब कुछ सेम है। तो मतलब एक आइडेंटिकल मतलब डिजाइन के बाद आइडेंटिकल फीचर्स के साथ में, बट आपको वहां पर रेंज ज्यादा मिल रही है, स्पीड ज्यादा मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स आपको मतलब भाई क्या मैं कहूँ, यहाँ पर मुझे एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है SVM पराना। बाकी अगर देखो दोस्तों, जो ये बीस्ट की जो 110 किलोमीटर की रेंज है, अगर ये 90 किलोमीटर पर आवर पर मिल जाती है, तो यहाँ पर एक अल्टरनेट क्लियर वर्जन यहाँ पर निकल जाएगा जो ये बीस्ट। तो ये तो दोस्तों जो है फ्यूचर में पता लगेगा जो ये बीस्ट की जो रेंज है वो कितने किलोमीटर पर घंटे की जो स्पीड पे है। फिलहाल के लिए जो एक विनर है वो SVM पराना है। बाकी दोस्तों फिलहाल की वीडियो जानकारी इतनी ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।